चौथा, बहस का मंच। संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। संसदीय चर्चा गोपनीय नहीं होती और टीवी और पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचती है, जिससे पूरे देश के लोग इन बातों को जान सकते हैं। पांचवा, संविधान संशोधन संबंधी कार्य। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान हैं। प्रत्येक संवैधानिक संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। छठवां, निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। सातवां, न्यायिक कार्य। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने का कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। परियोजना कार्य। संसद के सत्र के दौरान समाचार पत्रों को इकट्ठा करें और उसके कार्य से संबंधित खबरों को छांटें। ये संसद के उपयुक्त कार्यों में से कौन कौन से कार्यों से संबंधित हैं, कक्षा में चर्चा करें। 13.1.2, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद। सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। जैसा कि हमने देखा, कार्यपालिका की नीति निर्माण और कानून बनाने में अहम भूमिका है। कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, जल, थल एवं वायु सेना का प्रधान, प्रथम नागरिक एवं संवैधानिक अध्यक्ष होता है। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां उसी के द्वारा की जाती हैं। हमने ऊपर देखा कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशनों को बुलाता है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते, युद्ध और आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसका आशय यह है कि सर्वोपरि होते हुए भी राष्ट्रपति से अपेक्षा है कि वह लोगों द्वारा सीधे न चुने जाने के कारण और संसद के प्रति जवाबदेह न होने के कारण अपने अधिकांश अधिकारों का अपने विवेक से प्रयोग नहीं करेगा और वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। इस प्रकार सरकार का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो सरकार को कानूनी सलाह देता है। CAG, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो देश के समस्त वित्तीय प्रणाली पर नजर रखता है तथा कार्यपालिका के वित्तीय आदान प्रदान की उचित तथा अनुचित को तय करता है। अध्यादेश। जब संसद का सत्र न चल रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति इसे जारी करता है। संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर अगर यह अधिनियम नहीं बनता है तो यह समाप्त हो जाता है। परंतु कुछ महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति अपने विवेक से तय करता है। उदाहरण के लिए, लोकसभा की बहुमत की अस्पष्टता की स्थिति में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति स्वविवेक से नियुक्त कर सकता है। किसी विधेयक को जिसे संसद ने पारित कर दिया हो तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर सकता है। हालांकि यदि संसद उसे फिर से पारित कर देती है तो
तो राष्ट्रपति को उसे अपनी स्वीकृति देना आवश्यक है। इसी तरह प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की सिफारिशों को भी राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। अगर मंत्रिमंडल उसे फिर से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उसे अपनी स्वीकृति देना आवश्यक है।